अयोध्या में क्या होना चाहिए? भैया बड़ा गलत सवाल कर रही है, मैं तो बड़ा अधर्मी आदमी हूँ, समझे? मैं तो अयोध्या क्या, पूरी दुनिया में कहीं कोई रिलीजियस जगह ना हो तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊँ। मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं है धार्मिक जगहों से, वो कोई हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, कुछ हो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। तभी आपको चारों तरफ से होगा, ये चारों तरफ नहीं है, ये सिर्फ दो तरफ है, दो और तरफ हैं जो मेरी तरफ है। क्या बात, लेकिन कट्टर है दोनों तरफ से, वो आपको इसी वजह से अटैक करते हैं। ये सब ये कट्टर, ये वक्त देखिए, समय का पहिया चल रहा है, ये लोग कोशिश करते हैं कि पहिया रुके बल्कि पीछे जाए, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। कुछ अड़चन अड़चन थोड़ी बहुत होती रहती है, ह्यूमन हिस्ट्री में 4-5 साल 10 साल तो कुछ भी नहीं होते ना। आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं इम्तिहान देने से पहले, तो जल्दी में जब पेज उलटते हैं तो एक की जगह 2 पेज उलट गए तो 100 साल निकल जाते हैं, समझिए आप। तो ये इस वक्त को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस ये है कि इस वक्त में हम जिंदा हैं, गुजर जाते हैं ज़माने। अरे यहाँ तो औरंगजेब 50 साल हुकूमत करके चला गया, तो क्या हो गया, हम तो वही रहे जो थे, क्या कर लिया उसने। मुगलों का नाम लिया आपने, तो शहरों के नाम बदल रहे हैं, वो याद आया। नहीं नहीं, अब किसी तरह तो थोड़ा उन्हें स्मार्ट बनाए ना, नाम ही स्मार्ट करो, कुछ करो। नाम बदलने से सूरत कहाँ बदलेगी? हाँ, नाम बदलने से सूरत सीरत कहाँ बदलेगी? ये हाँ, नहीं बदलेगी, सही बात है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। और सही बात यह है कि एक तो इम्पोर्टेंट बात जो है जिस पर कोई नहीं रियलाइज कर रहा है कि इस देश में कम से कम 100-150 नए शहर बनने चाहिए। आज गांव से जो एक्सोडस शहर में है वो अनबिलीवेबल है। आपको दिल्ली में अंदाज़ा होता होगा, मुझे मुंबई में होता है, कलकत्ता चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए। भाई आज़ादी के बाद से शहर कितने बने हैं, एक चंडीगढ़ बना है, एक नोएडा बना है, अब गुड़गांव चलो हो गया, आप ऐसे ही साउथ में 2-1 शहर। और प्रिडिक्शन ये है कि अगले 10 साल में 15-20 करोड़ आदमी गाँव से शहरों में आएंगे, तो ये कहाँ आएंगे? हमारे लिए ज़रूरी, बजाय इसके कि हम नाम चेंज करें, नए शहर बनाना ज़रूरी है। नए शहर बनाओ और अपनी मर्जी के नाम रखो, वो पुराने ही शहरों के नाम चेंज करके थोड़ी काम चलने वाला है। वी नीड न्यू सिटीज, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वरना इन शहरों में इतना सोशल टेंशन हो जाएगा जो कि आप ऑलरेडी दिल्ली में देख रहे हैं। आपने पहली ही कविता सुनाई साजिश, कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहर, शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा उससे करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, ये सब आती हैं। अब जरा एक आपको भी TRP वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है, तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पर? साहब तो इतना बड़ा नहीं होता शहरों, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, बाप का भी जो बिजनेस है ऐसा थोड़ी है, तो ये तो गलत बात है। हम अपनी पिक्चरों में गाने डाले और इनसे कहे कि नहीं आप अपनी पिक्चर में गाने मत डालिए, ऐसा नहीं हो सकता, तो ठीक है, लेकिन ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये 2-4 महीने 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, कोई याद भी नहीं करता। असल बात यह है कि आप इकोनॉमिकली, आप एजुकेशन में, आप हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में किधर जा रहे हैं, बाकी सब बेकार बातें हैं। ये होता है जब बातें होती हैं ऐसे सुनते तो मुझे याद करना पड़ता है कब है इलेक्शन, वो ये सब तो इलेक्शन से आगे पीछे की बातें होती हैं, इनको आप सीरियसली मत लीजिए। थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला जा रहा है साहब, दुनिया को क्रिटिसाइज कर ले, ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। सवाल पूछना यही तो है सर, इस जवाब एक सेकंड में, एक सेकंड, 0 टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म की। आपने भी
आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है, आप पकड़ने की कोशिश करती है सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है, अब नाकाम हो गई तो तभी तो ये मंच, तभी तो ये मंच आपको दिया, मुझ पे गुस्सा कर रही है। भाई आप एक बात बताइए, ऐसा चैनल क्या आप नहीं चाहेंगे कि जनता की नब्ज पकड़ लें आप? अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है, तभी इस मंच पर आपको बुलाया ताकि आप इनके सामने अपनी बात रख सके, और यही हम लोगों की कोशिश होती है कि सवाल तो आप कामयाब, इस कोशिश में आप कामयाब हुए। सवाल पूछे जाएंगे तभी उसका जवाब आएगा, कुछ सवालों को ऐसे ठुकराया जाएगा, कुछ पर उंगली उठाई जाएगी, लेकिन सवाल पूछना कहाँ छोड़ेंगे हम। और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये कि राजनीति का भी एक हिस्सा है, जब आप देखते हैं, और आप तो देश की संसद में भी रहे, राजनीति का भी एक हिस्सा है जब शहरों का नाम बदला जाता है। आपने खुद कहा कि हो सकता है शहरों में उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव भी पैदा हो जाए, इसीलिए उसकी जवाबदेही कार्यक्रमों के जरिए पूछनी जरूरी है या नहीं? नहीं, आप ठीक कह रही है, अब मैं कहाँ बहस में पढ़ूँ, मान जाता हूँ आपकी बात, आप मेरी कई बातें मानिए, एक तो मैं भी मानूंगा आगे। नहीं, आप खुश करने के लिए ना माने, आप मानने के लिए माने, चलिए ठीक। हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में, ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे आप लोग बताते हैं। हम तो मानते हैं कि शायर ये हम बेकार जो सुबह रोज शाम को थके आ रहे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं? हम तो ये मानते हैं कि शायर ऐसी खबर लिखता है जो हमेशा के लिए अमर रहती है और सत्य रहती है। तो सत्य तो मैं आपको यही बताता हूँ कि ये देश कभी डिसबैलेंस हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं अपने खून से लिख के दे दूँ आपको, ऐसे डगमगाती है कश्ती इसलिए कि चल रहे हम लहरों पे, ऊंची नीची लहरें भी आती हैं, लेकिन ये कश्ती सिर्फ हिल सकती है, डूब नहीं सकती, याद रखिए। ये हिंदुस्तान ने जब इसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगी तो क्या क्या ज़माने देखे, क्या क्या ज़माने देखे हैं, कैसे कैसे लोगों को देखा, लेकिन वो चलता रहा। वो क्या है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ये आसमां हमारा। तो आप कहाँ ये कि इसने नाम चेंज कर दिया वहाँ पर, उसने किसी को मार दिया सड़क पे, इससे देश बदल जाना है, ये सब तमाशे हैं, खत्म हो जाएंगे।